हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। यूपीएसआई के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग किताबें पूछ रहे थे कौन कौन सी किताबें हम ले सकते हैं जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। अगर जो पहली बार यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी आपके लिए ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। तो यूपीएसआई की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, सितंबर लास्ट वीक में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और ये भी साफ साफ लिखा था कि नवंबर में एग्जाम होंगे। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो जाता है कि नवंबर में मान लीजिए एग्जाम नहीं होते, लेकिन भर्ती बोर्ड चाहेगा कि जल्दी से जल्दी एग्जाम करा ले। तो यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 महीने टाइम मिलने वाला है फॉर्म भरने के बाद, या फॉर्म आने के बाद, ठीक है। तो आप एकदम टारगेट बना सकते चले कि आपको 60 दिन मिलेगा, 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा, उसके बाद आपका एग्जाम करा लिया जाता है। जैसा कि उसमें लिखा था न्यूज़पेपर में कि आपकी सितंबर में वैकेंसी आएगी, नवंबर में एग्जाम होगा, फरवरी में आपकी दौड़ होगी। तो सारा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि आप अभी से पढ़ाई पे फोकस हो जाओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे चाहेंगे अगर जो पहली बार जुड़े हो हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल का आइकन भी क्लिक कर लो जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो यूपीएसआई से रिलेटेड आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जो आप पुलिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी स्टेट की, यूपीएसआई, बिहार एसआई, दिल्ली एसआई, तो हमारा एक और चैनल है टारगेट पुलिस एग्जाम, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, यहां साइड में देख सकते हैं। और आपको लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो सिलेबस है यूपीएसआई 2019 के लिए होने वाला है वो 4 पार्ट से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं। एक तो आपका जीएस वाला पोर्शन है जिसमें आपका संविधान और मूल विधि है और आपके जनरल नॉलेज 2 पार्ट में डिवाइड है। मैथमेटिक्स की बात करें, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक क्वांटिटी और एप्टीट्यूड, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। और बात करें हिंदी, हिंदी तो अपने आप में हिंदी है ही, टोटल आपका पोर्शन से हिंदी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग है जो 3-4 पार्ट में डिवाइड है, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये रीजनिंग हो गया। तो आपका जो 4 पार्ट से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, और अगर जो हम पुराने पैटर्न की बात करें तो 40-40 प्रश्न पूछे गए थे आपके हर पार्ट से, 100-100 नंबर का था, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था पुराना अगर जो हम देखें तो। अभी नया एग्जाम पैटर्न आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो सिलेबस के हिसाब से बात करें, सबसे पहले हिंदी के लिए बात करें, हिंदी के लिए जाहिर सी बात है आप सबके पास एक किताब जरूर होगी, लूसेंट, लूसेंट की किताब है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप पहला काम करिए, लूसेंट की आप बुक ले सकते हैं, और आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक जरूर लेना, लूसेंट ले या ना ले, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन की बुक जरूर लेना। क्यों आदित्य आपको जरूरी है, पहली हिंदी वाली मैं बता रहा हूं, आदित्य इसलिए आपको जरूरी है, आदित्य बुक में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको उसमें लास्ट में लगभग 150-200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं हर पोर्शन में। किसी भी चैप्टर को आप ओपन करें, लास्ट में 150-200 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। अब हिंदी की आप बात करें, हिंदी कहां से करें, हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी और इससे अच्छी हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हिंदी अगर जो आपको चेक करना हो कैसा इस क्लासेस चलता है, तो आप जाके अपने मेरे एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी है वीडियो के एग्जाम वाली, उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी की क्लासेस चलेंगी, जैसे ही मैंने अलंकार पढ़ाया या फिर मैंने संधि पढ़ाई, कुछ भी पढ़ाई, वो पढ़ाया, आप जाके उसको समझिए वीडियो के माध्यम से, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप आदित्य पब्लिकेशन से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी हिंदी बहुत ही स्ट्रांग हो जाने वाली है, साथ में बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड वाला, यूपीएसआई का पेड बैच भी चलता है, उसको ज्वाइन करने के लिए मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में मैं ये नंबर शो कर रहा हूँ, इस पर आप खोल करके पेड बैच के बारे में जान सकते हैं किस प्रकार से आप व्हाट्सअप का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएसआई 2019 के लिए, ठीक है। अब तो हिंदी की बात हो गई, लूसेंट वाली बुक ले लीजिएगा, दोनों ले लीजिएगा, ज्यादा महंगी नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं दोनों ले लीजिए, दोनों से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई कंपटीशन ज्यादा रहने वाला, कहीं से भी ऐसा मत करिए कि कोई प्रश्न छूट जाए, ठीक है, और मैं छूटने भी नहीं दूंगा। अगर जो मान लीजिए कहीं से कोई टॉपिक छूटता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं हिंदी का आपको नोट्स दिखाना चाहूंगा जो मैं बना रहा था और जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ट्यूटल ये मैंने पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ठीक है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाई दे, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ये देखिए वाइट वाइट आ रहा है, छोड़ो। तो लगभग हम बता रहे हैं क्या क्या प्रिपेयर हो गया इसमें, हिंदी भाषा, राजभाषा, वर्णमाला, शब्द भेद, यहाँ तक लेके छंद तक प्रिपेयर हो गया, संज्ञा से अव्यय आज कंप्लीट हो जाएगा, आधा हो चुका है,
पत्र लेखन पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा कल। और ये हिंदी साहित्य का एक टॉपिक बचेगा जो मैं कोशिश करूंगा बाद में देने की, उससे पहले आपको ये वाला नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और ये नोट्स सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हमारे पेड बैच में होंगे। मैथ का नोट्स, ये इसका नोट्स, जीके जीएस का नोट, यूपी जीके का नोट्स, संविधान का नोट्स, ठीक है, सब कुछ वो पेड़ वाले को मिलेगा। और जो फ्री वाले पीडीएफ हैं वो फ्री वाले ग्रुप हैं उनको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब हिंदी की बात हो गई और मैं फिर से बता रहा हूँ, तो पेड़ बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर दे दिया हूँ मैंने, ठीक है। और जीके की बात करें तो जीके में सबसे पहले आप लूसेंट वाली बुक लीजिए। लूसेंट की बुक नहीं लेनी, ऑब्जेक्टिव वाली लेनी। कौन सी लेनी? ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट की बुक ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर जो बात करें जीके वाले पोर्शन से, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 में डिवाइड करते हैं। तो एक आपका होता है जनरल नॉलेज का, एक आपका होता है मूल विधि और संविधान का। अगर जो पुराने सिलेबस के हिसाब से देखें तो 24 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि और संविधान से, 16 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 24 मतलब संविधान और मूल विधि का पोर्शन ज्यादा है, जीके से 16 क्वेश्चन आने हैं। इसलिए अभी आपने जीके बहुत पढ़ा, अभी आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए और वहां से ऑब्जेक्टिव बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप पढ़ते रहिए। सारे बुक लेने के लिए जो भी मैं बुक बता रहा हूँ उसके लिए आप लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बुक और देखा जीके के लिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का है, ठीक है। उसके लिए भी मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये बुक मूल विधि और संविधान का अभी तक जितने भी मार्केट में बुक है कोई नई आई नहीं है, लेकिन उसमें से मुझे ये अच्छी बुक लगी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक है, संविधान और मूल विधि, इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें यूपी जीके लिए, यूपी जीके के लिए अभी अगर जो आप बुक लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो पेड वालों के लिए, वो नोट्स ही काफ़ी होगा। लेकिन एक बुक है यूपी पूजा पब्लिकेशन का, यूपी जीके, लगभग 100 रुपीज़ के आसपास मिलेगा, वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये तो जीके के भाग हो गए, आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बताया लूसेंट का, मूल विधि और संविधान का बताया और यूपी जीके स्पेशल बताया। तो ये आपके हिंदी हो गया, जीके हो गया। मैथ के लिए बात करें, मैथ में बात करें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, क्वांटिटी और एप्टीट्यूड। तो दोनों के लिए मैं प्रीफर करूंगा आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए। एक आर एस अग्रवाल नवीन अंकगणित आता है, उसके लिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो आपने मैथ की बुक अभी तक नहीं ली तो उसको ले सकते। उसके बाद अगर जो आप क्वांटिटी और एप्टीट्यूड की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल की है, यश चंद पब्लिकेशन का है, आर एस अग्रवाल राइटर है, वो बुक भी ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं देखो एक एक बुक डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए आप अभी से एकदम जुट जाएँ पढ़ने में और मेहनत करें, ठीक है। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 6000 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि आप कर ना पाओ, आखिर करता तो इंसान ही है ना, स्टूडेंट ही करता है, विद्यार्थी ही करता, कोई ना कोई करता है, आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अभी इस बार आपको करना है, तो जो भी बुकें बता रहा हूँ अगर जो आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो पहली बार एग्जाम तैयारी एग्जाम देने जा रहे हैं एसआई का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप लोग करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन तो होता जाता रहता है, ठीक है। और अगर जो मेहनत की आपने तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए एक ही बुक मैं बता रहा हूँ, लूसेंट पब्लिकेशन का, सॉरी अरिहंत का आता है मास्टर रीजनिंग बुक, अरिहंत का मास्टर रीजनिंग बुक, उसको आप ले सकते हैं, वो भी ठीक ठाक बुक है। लगभग प्राइस की बात करें 500 के आसपास होगा, महंगा है, आप सोचेंगे महंगा क्यों है, लेकिन चूंकि इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मिल जाते हैं आपके, जो आपके जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर लेता है यूपीएसआई का, तो इसको आप ले सकते हैं। तो टोटल ये बुक्स थे और मैं फिर से बता देता हूँ पेड ग्रुप में क्या क्या फ़ायदे हैं। पेड ग्रुप फ्री वाला भी चलता है, देखिए पेड ग्रुप में भी बहुत सारे फ़ायदा है। पेड ग्रुप में होता ये है कि आप पेड ग्रुप में ऐड हो जाते हो, तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कहीं पे कुछ भी आती है न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाती है। उसके बाद डेली ऑडियो में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड होगा, जो आप सुन के अच्छे से डेली का डेली करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में जो मेरे पेड वाले नोट्स हैं संविधान के, हिंदी के, ठीक है, जीके जीएस के, वो आपको उसमें फ्री में मिल जाते हैं, उसमें आपको पहले से सेंड हो जाएंगे, और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में जैसे एग्जाम नियरली आएगा, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको करना रहेगा। साथ में आपको उसका शाम को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा और कल मॉर्निंग में उसका आपको आंसर सीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप मिलान कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। तो जो भी बुक मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप बाई कर लीजिए अगर जो आपके पास नहीं है तो, ठीक है। और जो अगर जो मान लीजिए ऑप्शन में मैंने मैथ का बुक बताया आर एस अग्रवाल, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर जो आपके पास मैथ का कोई अच्छा बुक है उससे अच्छा, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, वो बुक आप बाई ही करो, ठीक है। और सारे बुक को
बाई करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से बाई कर सकते हो। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग व्हाट्सअप पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो वो लोग ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और जो डिटेल है सारा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, UPSI के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी अभी से करना होगा, अभी से आप जुट जाओ, अभी से मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो भरने वाले हैं लगभग 12 से 15 लाख फॉर्म भरने वाले हैं। तो चलो अभी इस वीडियो को एक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।